हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब मेरे और मेरी पूरी टीम के तरफ से। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स और एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आया है आज हमारे YouTube चैनल पे, और ये है कि एल्बम प्रिंट आउट कहाँ अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे साथ कुणाल बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहे होंगे कुणाल, बट एक एल्बम है मेरे पास रिसेंट में, तो मैं चाहता हूँ कि वो एल्बम मैं आपसे पहले शो करूँ एंड उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं कि कहाँ पे एल्बम बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये एल्बम दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका ये जो बैग है, ये काफ़ी अच्छा बैग है। बैग बहुत सारे जगह से प्रिंट होता है, बट बैग के ये जो सिलाई होती है, ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी जो स्टिचिंग होती है। एंड पकड़ना कुणाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत सा बैग हमने प्रिंट करवाया है, बट ये काफ़ी अच्छा इसकी क्वालिटी है और बहुत ही बेहतरीन इसका सारा कुछ है। तो ये इसका बैग था, बैग के अंदर ये एक बॉक्स था। तो ये बॉक्स मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से पकड़ना एक सेकंड। तो ये बॉक्स मैं ऐसा ओपन करता हूँ, तो बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ पे मिलता है मेरा ये एल्बम। तो ये है जी वो एल्बम जो कि हमने प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एल्बम है जो मैंने प्रिंट करवाया है। एल्बम के डिज़ाइंस मैं आपसे ज़्यादा लंबा शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे बहुत ही प्रीमियम कस्टमर्स का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक की जो डिज़ाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन किया है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, और इस तरीके से क्लोजअप्स वगैरह हैं। तो दिस इज़ माई रियल एल्बम, और कल मैंने आपको बोला था कि हम कौन से पेपर में प्रिंट करते हैं, तो ये है वो पर्ल पेपर, आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये है जी ये सारा डिटेल कि इस तरीके से हमारे एल्बम प्रिंट होते हैं एंड इस तरीके की क्वालिटी हम देते हैं। अगर हमारे क्लाइंट अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ हम बॉक्स कवर और ये सारी चीज़ें देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सब आप प्रिंट कहाँ से करवा सकते हैं और मैं कहाँ से प्रिंट करवाता हूँ। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा सबसे पहले कंप्यूटर में, वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं कहाँ से प्रिंट करवाता हूँ और क्या क्या डिटेल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम हैं यहाँ पे हमारे पीसी में, और पीसी में मैं आपको ऐसे 5-6 अलग अलग वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ से आप अच्छी प्रिंटिंग करा सकते हैं, और लास्ट में बताऊंगा कि मैं कहाँ से कराता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आज से कुछ साल पहले मेरा जो एल्बम जाता था वो लगातार सिर्फ एक ही जगह जाता था, थ्रू द एजेंट जाता था, बट वो अर्पित एल्बम से ही मेरे जो एल्बम पहले प्रिंट होते थे, अर्पित एल्बम दिल्ली के हैं, उनके यहाँ से मेरा एल्बम प्रिंट होता था। सो यहाँ पे अर्पित एल्बम का एक फेसबुक पेज मैंने खोला हुआ है। जब मैंने इनकी वेबसाइट खोली तो वेबसाइट शायद किसी कारण से मुझसे नहीं खुली, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फेसबुक पेज से मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ से भी आप प्रिंट करा सकते हैं, दिल्ली से है इनका काम, और इनकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी प्रीमियम होती है। मनीष अग्रवाल जी हैं जिनसे मैं पहले प्रिंट कराता था, और अभी भी जब मेरे कुछ बहुत अच्छे प्रीमियम प्रिंट्स होते हैं तो मैं मनीष भैया को ही देता हूं, और वो जो भेजते हैं ये अर्पित एल्बम में भेजते हैं। तो यहां से भी आपको काफ़ी अच्छा प्रिंट, और इनकी बाइंडिंग क्वालिटी बहुत कमाल की होती है। यहां भी बहुत सारे आपको मल्टीपल पेपर टाइप्स होते हैं। प्राइस वाइज अगर मैं बात करूँ तो प्राइस वाइज ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट बहुत प्रीमियम क्वालिटी आपको यहाँ से मिलती है। इसके बाद आप जा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा मिड रेंज में अच्छा काम चाहिए तो आप जा सकते हैं यहाँ से Z7 करके एक जगह है, आई थिंक लुधियाना के हैं ये, मैंने भी इनका काम देखा हुआ है, और मैंने यहाँ से तकरीबन 3-4 बारी प्रिंट कराया है, और यहाँ भी जो मैंने काम भेजा था वो एजेंट के थ्रू भेजा था, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से डायरेक्ट किसी का भी लिंक नहीं है। हालाँकि मैं इनके वेबसाइट पर डायरेक्ट एल्बम अपलोड करके भी मंगा सकता हूँ, बट यहाँ पे जो रायपुर में हमारे जो एजेंट्स हैं जो लोग इनका काम लेकर के रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको दे देता हूँ और वो वहाँ से प्रिंट करा के मुझे देते हैं। तो Z7 एक अच्छा ब्रांड है, और इनकी प्राइसिंग भी ठीक है, और उसके अलावा इनका काम भी ठीक ठाक है जो मैंने देखा है अभी तक। तो यहाँ पे इसकी साइट आप ओपन कर सकते हैं Z7 की, मैं इन सभी का डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक दे दूंगा, आप एक बार वहाँ पे जाके इनके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा, इनका रेट वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, गोल्ड डेमो वेडिंग फोटो बुक है, तो यहाँ से आप आई थिंक डेमो वगैरह भी मंगा सकते हैं।
तो इस तरीके से आप यहाँ सारा डिटेल इनका देख सकते हैं। तो अगर आपका प्राइस सेगमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। एक और अच्छी जगह है वो है दुलारी एल्बम, रायपुर में भी इसके मतलब इसका जो कलेक्शन सेंटर है वो है। तो यहाँ से भी मैंने एक दो पेपर प्रिंट करा के देखे हैं, स्पेशली यहाँ से कैनवास पोस्टर वगैरह भी आप करा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको कोलाज वगैरह हैं एंड इस तरीके से आप बैग हैं, फ्रेम्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। तो इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इनकी भी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बट इनका काम जहाँ तक मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छा काम है। तो ये एक एक आइडियल आपके पास प्राइसिंग है, आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहते हैं और उसमें आपको अच्छा काम भी चाहिए तो आप इस पर जा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रीमियमनेस की तरफ आता हूँ और जिसमें आपको मज़ा आने वाला है या जिसमें मैं मुझे जैसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी भी ब्रांड को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हर ब्रांड अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो जो मुझे फील होता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बहुत चलन में था बीच में माजदा फ़ोटो बुक, और माजदा की क्वालिटी आज भी बहुत प्रीमियम है और बहुत अच्छी है। और ये हेज़लब्लेड के ऑथराइज्ड डीलर भी डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं अभी फ़िलहाल यहाँ इंडिया के। तो यहाँ पे अगर आप इनकी क्वालिटी देखेंगे, माजदा ई बुक वगैरह, और इनमें बहुत सारी चीज़ें एडवांस भी होती है, तो इसकी क्वालिटी या इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत कमाल की है। आप एक बार इनसे कॉन्टेक्ट करें और इनका सारा डिटेल लें, और उसके बाद आप यहाँ से भी प्रिंट करा सकते हैं। इनकी प्रिंट बहुत अच्छी होती है, बहुत कमाल की होती है, और इनका जो इनकी जो बाइंडिंग होती है वो बहुत ही कमाल की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अर्पित एल्बम के बारे में, दुलारी एल्बम के बारे में, Z7 के बारे में, माजदा के बारे में, ठीक है, चार मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कैनवेरा प्रिंट के बारे में जानते ही होंगे। तो कैनवेरा बहुत वर्ल्ड फेमस कंपनी है और ये बहुत अच्छी कंपनी है, जिसके जिसका जो प्रेजेंटेशन ही इतना अच्छा है कि मुझे आपको और बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो डेफिनेटली आप कैनवेरा के बारे में जानते ही होंगे। अगर आप में से जिन लोग कैनवेरा के बारे में नहीं जानते हैं तो वो कैनवेरा की वेबसाइट से भी प्रिंट करा सकते हैं। इनकी वेबसाइट में एक बहुत अच्छी बात यह है कि फाइंड अ फोटोग्राफर करके एक ऑप्शन होता है जहाँ आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं जिनको कैनवेरा से भी ऑनलाइन काम मिलता है, तो आप कैनवेरा में जाके अपना पोर्टल बुक करा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कैनवेरा को डायरेक्ट ओपन करते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट क्लाइंट भी आपको कैनवेरा से मिल सकते हैं। तो बहुत सारे प्रीमियम जो फोटोग्राफर होते हैं वो कैनवेरा में अपना फ़ोटो बुक प्रिंट कराते हैं और वहाँ से उनको काम भी मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप कैनवेरा से जुड़ के काम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई आपको देखने को मिलती है। तो ये है कैनवेरा का डिटेल। अब मैं आता हूँ सबसे लास्ट में, और सबसे मुझे जो ऐसा लगता है, हमारे एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जोन में जितने भी बड़े फोटोग्राफर्स हैं, जो भी यहाँ पर बड़ा बड़ा काम करते हैं, वो लोग जहाँ प्रिंट कराते हैं वो है मैक्स मीडिया एल्बम। तो ये है गुजरात सूरत की कंपनी, आई थिंक सूरत से ही है, और इनकी जो क्वालिटी है आज के रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी में से एक है। हो सकता है इनसे भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हो, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूँ, बट मैं जो 5-6 अलग अलग अच्छे लोगों के बारे में जानता था वो मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है कि इनसे भी अच्छी किसी की क्वालिटी हो, अगर मुझे कभी पता चलता है या मैं कभी टेस्ट करता हूँ तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इनकी सर्विस भी ठीक ठाक है, इनकी क्वालिटी तो खैर बात ही नहीं है। तो इनके यहाँ आप डायरेक्ट फ़ोटो भी भेज सकते हैं, ये डिज़ाइन वगैरह भी कंप्लीट करवा के आपको एल्बम कंप्लीट प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग करा के दे देते हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाइंडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनके जो कवर पेजेस आते हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट आते हैं, हर बार ये अपने कवर पेज का स्टाइल पैटर्न बहुत चेंज करते हैं। तो ये एक काफ़ी प्रीमियमनेस आपको मिलता है। तो ये अलग अलग 6 मैंने आपको एल्बम के टाइप्स बताए, आई होप आपको लगा होगा कि मैं कहाँ से अब एल्बम प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए ये डिपेंड करता है, मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बोल सकता कि मैं कहाँ से एल्बम प्रिंट कराता हूँ, बट यहाँ पे दुर्ग में, रायपुर में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जिन लोगों के पास इनका पर्टिकुलर काम है, तो उनसे मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, तो मैं उनको दे देता हूँ काम और वो मेरा एल्बम प्रिंट करा करके देते हैं
प्राइस वाइज, जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस मुझे मिला है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रिंट देना है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए भाई, इस तरीके का मुझे प्रिंट चाहिए और इस तरीके की क्वालिटी चाहिए, तो वो अपने हिसाब से वहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। आप भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपको लगे तो एक बार आप इनमें से कौन कौन सी वेबसाइट को आप जानते हैं या कौन कौन से एल्बम प्रिंटर्स को आप जानते हैं, आप मुझे बताइए। अगर इनके अलावा भी अगर आप में से किसी को पता है कि कोई एल्बम प्रिंटर ऐसा है जो कि काफ़ी अच्छा प्रिंट देता है, काफ़ी अच्छा उनकी क्वालिटी है, तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं भी उनको एक बार टेस्ट करके देखूं, उनके उनके सैंपल्स देखूं, तो मुझे पता चल सके। या अगर आप में से कोई हैं जिनका एल्बम प्रिंटिंग का काम है, तो भी मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका काम देखने के बाद अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपके काम को ज़रूर प्रमोट कर सकूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो school.rajaawasthi एंड Rajaawasthi007, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, उसे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड हमारे जो नेक्स्ट वर्कशॉप हो रहे हैं वो 15 फरवरी से हो रहे हैं। अगर आप में से कोई आना चाहता है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, एंड आपको वहाँ पर हमारे वर्कशॉप की सारी डिटेल्स, हमारे हमारे जो कोर्सेज हैं उनके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे ऑनलाइन कोर्सेज नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, school.rajaawasthi.com का, जहाँ पे 5 अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिन्हें परचेस करके आप ऑनलाइन हमसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।